हेलो गाइस, आपको फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे लाइट प्रोपोगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। जैसे कि मैंने नेचर ऑफ द लाइट में बात करी थी, किस किस के थ्रू हमारा लाइट ऑफ प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे लाइट प्रोपोगेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर है क्या, क्या क्या उसमें मेन पार्ट्स होते हैं, मीन्स ऑफ दैट क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, जैसे कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, बफर जैकेट क्या है। ओके, तो इन सभी की हम बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे लाइट प्रोपोगेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, बिना टर्मिनोलॉजीज को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लाइट प्रोपोगेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ओके, सो हम राइट डाउन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर आल्सो कॉल्ड एज द लाइट गाइडेड फाइबर। ओके, लाइट गाइडेड फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को इसमें गाइड किया जाता है, मीन्स ऑफ दैट इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है जिसके थ्रू ये, और ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली गाइडेड ही होता है। दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, गाइडेड कम्युनिकेशन, अनगाइडेड कम्युनिकेशन। ओके, सो अनगाइडेड में वायरलेस आता है, क्योंकि वायरलेस को कोई गाइड नहीं कर सकता, तो वो एक स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी के थ्रू पास आउट होता है, जिसको हम कैच करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसीज से। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर, राइट डाउन, ऑप्टिकल फाइबर फाइबर आल्सो कॉल्ड लाइट गाइडेड फाइबर। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लाइट गाइडेड फाइबर भी कहा जाता है इसे। ओके, इज अ लाइट ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल ऑफ द लाइट। ओके, सो इज अ लाइट ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR, प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक लाइट गाइडेड फाइबर है, इज अ लाइट ट्रांसमिशन, ओके, स्ट्रक्चर विद द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो किसके ऊपर बेस होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस होता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर में कुछ और चीजें होती हैं, उनको बात करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर हैज थ्री कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ओके, तो यहां पे इसको लिखते हैं दोबारा, सिलेंडर्स। ओके, ऑप्टिकल फाइबर के पास क्या है, तीन कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। ओके, तो वो सिलेंडर्स हैं क्या, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कोर, सेकंड इज दैट क्लैडिंग, एंड थर्ड इज दैट हमारा बफर जैकेट। ओके, जैकेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास तीन चीजें हैं, कोर, क्लैडिंग और बफर जैकेट। तो वन बाय वन समझते हैं बेसिकली है क्या कोर, क्लैडिंग और बफर जैकेट को। ओके, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं कोर। ओके, कोर, तो कोर को लिखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो समझते हैं कोर है क्या। ओके, सो इट अ कैरियर द लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर, इट इज मेड ऑफ द ग्लास। ओके, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ग्लास से बना होता है, विद हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, सो इट कैरियर द लाइट
इन ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर फाइबर इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. सो मेड अप ऑफ द ग्लास इट इज नॉट कंसिडरेबल बिकॉज अब जो लाइट, जो ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट गाइडेड फाइबर है, वो बेसिकली ग्लास से भी अलग अलग मटेरियल्स से बनकर आते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ और कंपाउंड प्लास्टिक भी यूज करते हैं अब मेड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर में, नॉट ऑफ द ग्लास ऑल्सो. ओके, सो विद विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया कोर है क्या, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लाइट को प्रोपोगेट करते हैं, ये लाइट को कैरीज करती है. ओके, नेक्स्ट इज दैट क्लैडिंग, क्लैडिंग. ओके, सो इट इज क्लैडिंग. सो क्लैडिंग में होता क्या है उसको समझते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक. सो इट इज सम मिस्टेक. ओके, बैक टू कोर, टू कोर. इट इज मेड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास मटीरियल, ग्लास मटीरियल. बिल्कुल ही सेम होता है कोर और क्लेडिंग, बस डिफरेंस होता है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर. सो ग्लास मटीरियल, मटीरियल. ओके, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स स्लाइटली, स्लाइटली लेस देन, लेस देन that of the core, that of the core. तो आपको समझ में आ गया होगा. सो कोर क्या है, कैरी करता है लाइट को. ओके, ऑप्टिकल फाइबर लाइट को. और क्लैडिंग क्या है, जो कोर के अंदर, अगर कोर से बाहर चला जाता है लाइट, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी अंदर से बाहर चला जाता है. अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अभी आगे समझाऊंगा इसको. तो अभी तक आप यही समझिए यहाँ पर. और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. तो एन ऑफ कोर is greater than n of cladding. Okay, so it is the reflective index. So it is the reflective index, that is n. Okay, so both n is for the reflective index. Okay, and third part of the optical fiber, that is buffer jacket. So third is that buffer jacket. ओके, सो बफर जैकेट का कोई इतना यूज नहीं होता है. सो इट इज, इट्स प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्लैडिंग, क्लैडिंग बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल. ओके, सो ये क्या करता है, एक्सटर्नल हैरेसमेंट, सॉरी फॉर दैट, एक्सटर्नल जो भी इसमें यूज, यानी कि वायर कट गया तो इस टाइप से जो भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सॉरी फॉर दैट, दैट इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. ओके, सो अब हम इसके वर्किंग को देखते हैं. सो हियर इज एन इमेज और ओके, सो इसको समझते हैं. थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ. ओके, तो इसको हम बड़ा कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे तो देयर, हियर इज अ कोर. ओके, एंड दिस इज द क्लैडिंग, एंड वन, दिस इज द एडवांस ऑप्टिकल फाइबर. ओके, सो देयर इज एन कोटिंग ऑल्सो, एंड स्ट्रैप मटीरियल, एंड आउटर जैकेट. सो आउटर जैकेट इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन. ओके, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट,
प्रोटेक्शन, ओके, एंड दिस इज द क्लैडिंग और दिस इज द कोर. सपोज, तो सपोज हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे, सॉरी इसको एक बार और बनाता हूँ मैं. ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइट को प्रोपोगेट करा रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोपोगेट होता है, ठीक है, लाइट इसके अंदर फाइबर के. तो कभी क्या होता है कि कोर से बाहर चली जाती है लाइट, क्लैडिंग में चली जाती है. तो क्लैडिंग क्या करता है, क्लैड करता है वो जो ऑप्टिकल फाइबर यानी जो ऑप्टिकल रेज है उसको ये बैक कर देता है कोर के अंदर. ओके, सो इसलिए हम क्लैडिंग का यूज करते हैं. ओके, सो आपको ये वीडियो मुझे आई होप पसंद आई होगी. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग.